हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है मॉक टेस्ट 4 ऑन SSC CGL टीयर 1 इंग्लिश सेक्शन। और अगर आपने मॉक टेस्ट 1, 2, 3 नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ये जो मॉक टेस्ट है, इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है रिपीट होने के एग्ज़ाम में, और जो रिपीट हुए हैं उनका कलेक्शन मैंने तैयार किया है, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द फादर वॉज एंग्री एंड कास्ट डैश हिज सन। और इसके ऑप्शन हैं ए डाउन, बी अबाउट, सी ऑफ, डी ऑफ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर दो ऑप्शन प्रोबेबल लग रहे हैं, डाउन या ऑफ। इसका जो सही आंसर है वो होगा कास्ट ऑफ। देखिए, कास्ट डाउन का मतलब होता है टू बी अनहैप्पी, और कास्ट ऑफ का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ। द फादर वॉज एंग्री एंड कास्ट ऑफ हिज सन, ये जो टू बी अनहैप्पी है ये एक तरह का एक्शन नहीं है, ये वर्ब है। बट टू गेट रिड ऑफ इज सम टाइप ऑफ एक्शन। फादर वॉज एंग्री एंड कास्ट ऑफ हिज सन, फादर एंग्री था इसलिए उसने कोई एक्शन लिया टू गेट रिड ऑफ। ओके, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंसर इज सी, कास्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर टू, इंडियन मासेस आर डैश लॉ अबाइडिंग, एंड द ऑप्शंस आर फार एंड अवे, बाय एंड लार्ज, फार अवे, बाय एनी मीन्स। सी, यहाँ पर इंडियन मासेस आर डैश लॉ अबाइडिंग, तो द करेक्ट आंसर वुड बी बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो पार्शली ट्रू होती है, पूरी तरह से सच नहीं होती है, उसको हम कहते हैं बाय एंड लार्ज, नॉट कम्प्लीटली ट्रू। ओके, सो इंडियन मासेस आर नॉट कम्प्लीटली आर बाय एंड लार्ज लॉ अबाइडिंग, मतलब ये पूरी तरह से सच ना हो, वहाँ ये वर्ड यूज होता है बाय एंड लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द फिल्म वी सॉ लास्ट नाइट वॉज बोरिंग, आई विश आई डैश इट। ऑप्शन आर शुडेंट हैव सीन, हैडेंट सीन, डिडेंट सीन, वुडेंट हैव सीन। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात तो द फिल्म वी सॉ लास्ट नाइट, ये जो सेंटेंस है ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली परफेक्ट टेंस आएगा, तो क्या आएगा आंसर, शुडेंट हैव सीन। आई विश आई शुडेंट हैव सीन इट, आई विश, मैं, मुझे ये नहीं देखनी चाहिए थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हिज क्लोथ्स एंड अनकॉम्ब्ड हेयर गेव हिम अ डैश अपीयरेंस। ऑप्शन देखते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल, डिस्प्यूटेशियस, डिसकंटेंटेड, डिसरेप्यूटेबल। नाउ सी, यहां पर हिज ओल्ड क्लोथ्स एंड अनकॉम्ब्ड हेयर, कोई ऐसा उसका इंप्रेशन जा रहा है जो खराब इंप्रेशन है, तो उसमें जो सही आंसर होगा वो होगा डिसरिस्पेक्टफुल। इसका मीनिंग जो होता है वो लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समबडी। ओके, सो हिज क्लोथ्स एंड अनकॉम्ब्ड हेयर गेव हिम अ डिसरिस्पेक्टफुल अपीयरेंस। क्वेश्चन नंबर 5, इडियम फ्रेज से है, ही इमीजिएटली सेट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द डिपार्टमेंट। सेट अबाउट idiom है, इसका क्या मतलब होता है देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए लुक अराउंड, ऑप्शन बी took charge, ऑप्शन सी started, ऑप्शन डी took steps towards। देखिए फ्रेंड्स, idiom phrase जब आएंगे तो ये पॉसिबल है कि वो सेंटेंस में आए, यहाँ से आपको उसका आंसर निकालना थोड़ा आसान होता है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि केवल ये idiom या phrase आ जाए और पूरा सेंटेंस ना हो, तो हमें इसको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और मेमोराइज कर लेना चाहिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा स्टार्टेड। सेट अबाउट का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना। ही इमीजिएटली सेट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द डिपार्टमेंट। सो ऑप्शन, सही आंसर जो है वो सी, स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 6, ही इज प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स विद द वेल्थ ऑफ हिज फादर। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, स्पेंडिंग डिलीजेंटली, स्पेंडिंग लेविशली, स्पेंडिंग फूलिशली, और स्पेंडिंग केयरफुली। नाउ देखिए, यहाँ पर आपको इन चारों ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि चारों ऐसा लगता है कि इसमें फिट हैं, तो ये आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है स्पेंडिंग फूलिशली, मूर्खतापूर्वक कोई अपने पैसे को खर्च करना। ओके, सो द राइट आंसर इज सी, स्पेंडिंग फूलिशली। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 7, एन अर्ली बर्ड कैचेज द वॉर्म। ऑप्शंस आर द अर्ली बर्ड, अ अर्ली बर्ड, अर्ली बर्ड, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए फ्रेंड, ये भी एक फ्रेज है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में कभी कभी फ्रेज भी आ जाता है। आंसर जो होगा उसका होगा
ए द अर्ली बर्ड, इसका मतलब होता है द पर्सन हु टेक्स द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बिफोर द अदर पीपल विल हैव एडवांटेज ओवर हिम। कोई व्यक्ति किसी भी अपॉर्चुनिटी को बुना लेता है इससे पहले कि दूसरे लोग वो काम करें। तो जिसका आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 8, एज द टेनेंट वॉज इन डेफिसिट विद हिज रेंट वी वर फोर्स टू गिव हिम नोटिस। ऑप्शन देखते हैं, ए बिहाइंड, बी ऑब्लिगेशन, सी डिफिकल्टीज, डी नो इम्प्रूवमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट है वो डेफिनेटली है, ये डेफिसिट वर्ड यहाँ पर रॉन्ग यूज हुआ है, यहाँ पर आएगा बी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग यू मस्ट डू बिकॉज यू हैव प्रोमिस्ड बिकॉज ऑफ लॉ और कमिटमेंट। देखिए एज अ टेनेंट वॉज इन डेफिसिट, मतलब डेफिसिट की जगह ऑब्लिगेशन आएगा, टेनेंट ने कोई एग्रीमेंट किया होगा, कोई लॉ होगा जो उसको बाइंडिंग होगा, तो वी वर फोर्स टू गिव हिम नोटिस। ओके, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट की बात हो रही है, सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑब्लिगेशन। क्वेश्चन नंबर 9, नाइट क्लब्स आर ओपन फार इनटू नाइट एंड द ऑप्शंस आर ए इनटू द नाइट फार, बी फार इनटू द नाइट, सी इनटू फार नाइट, डी नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो ये फार इनटू नाइट है इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पर आएगा फार इनटू द नाइट, यहाँ पर एक आर्टिकल यूज होगा तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, द नाइट क्लब्स आर ओपन फार इनटू द नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्पॉटिंग एरर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, सो लेट सी। अ प्रीस्ट एम्फसाइज्ड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस टू लव ईच अदर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे द प्रीस्ट एम्फसाइज्ड दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल क्रिश्चियंस टू लव वन अनदर आना चाहिए। तो जो एरर है वो है सी में। देखिए जब हम बात करते हैं ईच अदर जो वर्ड होता है वो कब होता है, जब दो लोगों में कंपैरिजन होता है, अगर किसी दो लोगों की बात होती है तब बोलते हैं टू लव ईच अदर। बट जहाँ पर आप मोर देन टू बात होती है, पूरी कम्युनिटी की बात होती है, ऑल क्रिश्चियंस यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे होगा ऑल क्रिश्चियंस टू लव वन अनदर। ओके, तो सही आंसर जो होगा वो होगा वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर बिकॉज इट इज रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 days। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वाटर, तो जो पॉन्ड है वो भरा हुआ पानी से, बिकॉज इट इज रेनिंग, पानी अभी भी गिर रहा है कंटिन्यूसली फॉर लास्ट 3 days। देखिए ये पास्ट टेंस की बात हो गई और यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग बिकॉज इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर लास्ट 3 days। क्यों आएगा इट हैज़ बीन, क्यों आएगा बिकॉज इट इज स्टिल रेनिंग, यहाँ पर इट हैड बीन नहीं आएगा, ये आपको फर्क समझना होगा। द पॉन्ड इज फ्लडेड पास्ट की बात हो गई है, बट बिकॉज विद वाटर बिकॉज इट इज रेनिंग इट हैज़ बीन रेनिंग, तो पास्ट की बात होकर के पानी जो है अभी भी गिर रहा है इसलिए आएगा बिकॉज इट हैज़ बीन रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलिंग द हाई वॉल अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी रीचिंग अप टू हॉरिजन वॉज सीन। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है ये कुछ इनकम्प्लीट सा है, स्केलिंग द हाई वॉल इज इनकम्प्लीट, यहाँ पर कुछ पार्टिसिपल ऐड होना चाहिए स्केलिंग के पहले, तो वो कौन सा पार्टिसिपल होगा, वाइल स्केलिंग द हाई वॉल अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी रीचिंग अप टू हॉरिजन वॉज सीन। जो एरर जो है वो है ए में है, यहाँ पर आएगा वाइल्ड स्केलिंग, ये आप ध्यान रखिएगा, देखने से लगता नहीं कोई एरर है बट ये पार्टिसिपल जो है वो ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, तो यहाँ पर आएगा वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन। अब यहाँ पर जो वर्ड्स होते हैं एनी, इधर, नीदर, इनके भी आपको प्रॉपर कंटेक्स्ट में यूज़ करना आना चाहिए। देखिए जो वर्ड एनी होता है ना ये वर्ड हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो यहाँ पर ये वर्ड रॉन्ग है, यहाँ पर आना चाहिए या तो इधर आएगा या फिर नीदर आएगा, ईदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन या फिर नीदर ऑफ द टू रोड्स। ओके, तो जो करेक्ट होगा वर्ड यहाँ पर या तो आप नीदर यूज़ करेंगे या इधर यूज़ करेंगे, ईदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द स्टेशन, एनी वर्ड यहाँ पर गलत यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैड वन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन।
अब फ्रेंड सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपके चार क्वेश्चन भी आते हैं स्पॉटिंग एरर्स के तो सब में एरर हो ही, पॉसिबिलिटी होती है कि किसी में एरर ना हो। तो इसके लिए आपको कमांड होना ज़रूरी है एक एक चीज़ के ऊपर। जितने थे हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं, उनको ध्यान से देखिए और उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सर्कल पर क्लिक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई अपडेट डालूंगा मॉक टेस्ट से लेकर के या कोई भी एग्ज़ाम को लेकर के कोई अपडेट, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर आपने मॉक टेस्ट 1, 2, 3 नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।